मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिससे समाज में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब सरकार भी इन मामलों को लेकर अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के मामले सामने आए हैं यह समाज को तोड़ने के प्रयास भी हो सकते हैं। ऐसे में सीएम ने पार्टी के विधायक और सांसदों को बड़ा निर्देश दिया है। सीएम शिवराज ने बैठक करते हुए कहा कि हाल फिलहाल में कुछ गांवों में जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, घोड़े पर बैठने देना, नहीं बैठने देना या समाज को तोड़ने के प्रयास भी हो सकते हैं। पीछे से लोग इसको बल दे रहे हैं, तो हमको दोनों समाजों को जोड़कर रखना है। शिवराज सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल ना तो राम के रहे हैं और न ही राष्ट्र के। वे और कांग्रेस महान भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राहुल गांधी ने पहले राम मंदिर पर सवाल उठाया था और अब भारत माँ पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस भारत को बदनाम करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है। गुना पुलिस हत्याकांड के 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। फरार आरोपी विक्की उर्फ दिलशाद और गुल्लू ने सोमवार दोपहर को गुना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट से पुलिस के पास सूचना पहुंची, जिसके बाद एसपी ने टीआई को कोर्ट भेजा। बता दें कि ये दोनों आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। इनकी तलाश में कई पुलिस टीमें लगी हुई थी। मामले में 3 आरोपी मारे जा चुके हैं। 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सतना में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश भी हुई। घने बादलों की वजह से दिन में रोशनी गायब हो गई। वहीं जिले के मेहर में दामोदर रोपवे प्रबंधन की लापरवाही से सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान हलक में आ गई। दरअसल तेज आंधी तूफान में भी रोपवे संचालित था और अचानक तेज आंधी की वजह से बीच में ही रोपवे रोक दिया गया। करीब आधे घंटे तक रोपवे की ट्रालियां हवा में लटकती रही और हिलोरें लेती रही। इंदौर में रविवार देर शाम हुई युवक की हत्या में लव ट्रायंगल की कहानी सामने आई है। दोस्त की गर्लफ्रेंड के चक्कर में आरोपी से बात करने जाना युवक को भारी पड़ गया। विवाद के बाद सामने वाले पक्ष ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही खुद को बचाने के लिए आरोपी राजकुमार सोनकर ने पैर में चाकू मारकर खुद को घायल कर दिया। मृतक शुभम पर अलग अलग थानों में 5 केस दर्ज है। वहीं हत्या के आरोपी पर भी आजाद नगर थाने में 1 केस दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।